चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स विच वी होप टू मेक एप्लीकेबल फ्रॉम नेक्स्ट इट इज ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री चार्ट अकाउंटेंसी का पूरा कोर्स का कािकुलम बदल रहा है What's up, everybody? Welcome or welcome back to my channel. My name is Isha Verma. I am a CA final student, and in this video, I'll be decoding the newly released draft by ICAI related to the changes in the CA course. So, as you all know, that ICAI has come about with changes in our syllabus, in our course, and this video is all about those changes. Hai? So, this video, I divide four parts mein divide first for the foundation, second for the changes in intermediate, third for the changes in uh, finals, and last for the miscellaneous and other changes. ठीक है तो दिस विल बी अ डिटेल्ड वीडियो कि क्या क्या एग्जैक्टली चेंज है और आई विल बी यूजिंग द ड्राफ्ट जो ड्राफ्ट रिलीज़ हुआ है उसी को बताऊंगी कि हाँ ठीक सो आई मेकिंग दिस वीडियो आफ्टर रीडिंग दी ड्राफ्ट एंड एक पीपीटी भी रिलीज़ हुई है बी ओ एस पोर्टल से तो इन दोनों को पढ़ के मैंने ये ड्राफ्ट का एक समरी uh, बनाया है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें एंड समझिए कि क्या क्या चेंजेस आपके पर्टिकुलर लेवल में आया है मतलब आप जिस भी लेवल में है फाउंडेशन में है या इंटरमीडिएट में है या फाइनल्स में जिस भी लेवल में है क्या क्या चेंजेस आया है ठीक है सो बिफोर वी मूव ऑन टू द डिटेल वीडियो मैं आप एक शॉर्ट समरी भी बता देती हूँ ताकि जिन्हें डिटेल में नहीं समझना वो दो मिनट मेरी बातें सुनकर शॉर्ट समरी ऑफ चेंजेस सुन, सुन लें ठीक है सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज इज एग्जेक्शन सो आपको एग्जामेशन का कोई लिमिट नहीं है आप पहले एग्जामेशन का लिमिट था कि थ्री अटैम्प्स का कैरी फॉरवर्ड हो सकता है देर इज नो लिमिट टू कैरी फॉरवर्ड मतलब आपका एक बार एग्जाम एक हो गया दैट सब्जेक्ट यू यू वॉन्ट हैव टू स्टडी अगैन बट अगर आपने एक सब्जेक्ट में एग्जामेशन लिया है तो बाकी सब में फिफ्टी परसेंट लाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू क्वालिफाई दी ग्रुप सेकेंड चेंज इज़ आर्टिकलशिप पीरियड आपको पता है टू ईयर्स हो गया रादर दैन थ्री ईयर्स और एग्जाम भी आप टू ईयर्स आर्टिकलशिप देने के बाद सिक्स मंथ्स का स्टडी लीव पढ़ेंगे उसके बाद जाके एग्जाम दे सकते हैं एंड थ्री इयर्स उन लोगों के लिए एक साल एक्स्ट्रा और उन लोगों को करना होगा जिनको सीओपी होल्ड करना है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए ठीक है थर्ड इंपॉर्टेंट चीज कि फाउंडेशन पे अब वो फोर्टी परसेंट और ओवरऑल फिफ्टी परसेंट का क्राइटेरिया हटा कर हर सब्जेक्ट में फिफ्टी परसेंट का क्राइटेरिया लगा दिया गया है स्टाइपेंट का अमाउंट जो है वो डबल कर दिया गया है इसके साथ साथ फाइनल्स में दो सब्जेक्ट्स हटा दिए गए हैं और उसकी जगह पे चार सेल्फ स्टडी के मॉड्यूल्स ला दिए गए हैं जहाँ पे आपको खुद से उसे पढ़कर अलग से अपने सेल्फ स्पेस पे पहले वो एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा तब जाके फाइनल्स के अटैम्प्ट देने होंगे ठीक है और और तो और बाकी डिटेल्स हम देखते हैं इस वीडियो में तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या क्या चेंजेस हैं तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं वन चार्ट में तो एज आई कैन सी करंट में फाउंडेशन में वी हैव फोर पेपर्स विथ सिक्स सब्जेक्ट्स नाउ प्रपोज में आपके पास फोर पेपर्स ही रहेंगे लेकिन सब्जेक्ट्स आपके सिक्स टू फोर हो जाएंगे सिमिलरली इंटरमीडिएट में वी हैव फोर 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 प्लस फोर एट पेपर्स अब वो सिक्स पेपर्स बन जाएंगे मतलब एट पेपर्स अब वो सिक्स बन जाएंगे सेम गोज फॉर फाइनल फोर 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 प्लस फोर एट पेपर्स अब वो सिक्स पेपर्स बन जाएंगे और बीच में एक सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस किया गया है आपको चार सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल्स क्लियर करने पड़ेंगे आफ्टर इंटरमीडिएट इन ऑर्डर टू गिव योर फाइनल के अटेम्प्ट्स ओके okay? लेट्स मूव ऑन टू दाइन फाउंडेशन लेवल का डिटेल है तो करेंटली आपके फाउंडेशन में फोर पेपर्स होते हैं बट सब्जेक्ट सिक्स होते हैं नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर नंबर फाइव नंबर सिक्स अब ये सिक्स को रिड्यूस करके फोर सब्जेक्ट्स कर दिया गया है आपका बिजनेस करिस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग हटा दिया गया बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज हटा दिया गया है एंड वी आर ओनली लेव विद फोर सब्जेक्ट्स एंड फोर पेपर्स इसके अलावा फाउंडेशन में ऐसा कुछ और चेंज तो नहीं आया है बस ये चेंज आया है कि आप अभी फ़िलहाल ट्वेल्थ के एग्ज़ाम्स देते ही तुरंत एलिजिबल होते फाउंडेशन के लिए बट but... अगली बार से आपको फोर मंथ्स का स्टडी पीरियड सर्व करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू आफ्टर योर ट्वेल्थ एग्जाम इन ऑर्डर टू अपियर फॉर योर फाउंडेशन एग्जामिनेशन ठीक है नंबर ऑफ एग्जामिनेशन इन ऑल थ्री लेवल्स आर प्रपोज्ड टू बी इंक्रीज मतलब जो भी तीनों लेवल में फाउंडेशन आईपी इंटर एंड फाइनल तीनों में प्रपोज किया गया है कि नंबर ऑफ एग्जामिनेशन दो से तीन कराया जाएगा साल में नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चेंज फाउंडेशन लेवल का ये है कि करेंटली आपको 40 परसेंट इन ईच सब्जेक्ट एंड 50 परसेंट ओवरऑल लाना होता है बट इन द न्यू प्रपोज चेंज आपको 50 परसेंट इन ईच पेपर लाना पड़ेगा ठीक है एंड ईच पेपर टू क्वालिफाई द इंटायर फाउंडेशन का लेवल ठीक है ऑल्सो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी शायद अभी भी होती है थर्ड एंड फोर्थ पेपर में नेगेटिव मार्किंग हाँ अभी भी होती है ये सेम रहेगा नेगेटिव मार्किंग अभी भी होएगा नेक्स्ट दैट वी हैव इज इंटरमीडिएट सो इंटरमीडिएट में हमारे एट पेपर्स से रिड्यूस हो गए सिक्स पेपर्स हो गए तो एज यू कैन सी अकाउंटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग मर्ज होकर एडवांस अकाउंटिंग बन चुका है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में अदर लॉज हटा दिया गया है एंड ये कॉर्पोरेट लॉज में फाइनल्स का भी कॉर्पोरेट लॉज इनकॉर्पोरेट किया गया है ठीक है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेम है टैक्सेशन सेम है ऑडिटिंग सेम है नाउ आपके ई और एस से ई आई हटा दिया गया है एफ एम ईको में से ईको हटा दिया गया है एंड इन दोनों को मर्ज करके एफ एम एंड एस एक पेपर सिक्स बना दिया गया है सिक्स ए सिक्स बी फिफ्टी फिफ्टी मार्क्स ईच इसके अलावा जो सारे बुक एग्जाम्स होंगे वो क्लोज बुक होंगे ओपन बुक नहीं होंगे एंड ऑल्सो जो भी सब्जेक्ट जिसमें हमारा वो है नेगेट ऑब्जेक्टिव है उसमें नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया भी वो ला सकते हैं अभी शॉर्टी नहीं है इस बात की इंटरमीडिएट में एलिजिबिलिटी ऑफ एडमिशन में ज़्यादा कोई चेंज है नहीं बस इतना है कि डायरेक्ट इंट्री में पहले नाइन मंथ्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चाहिए होती थी अब आपको एट मंथ्स ऑफ स्टडी पीरियड चाहिए होगा अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फिर यहाँ पे बदल गया कि आपका अभी फिलहाल क्या है फोर्टी परसेंटेंटेंटेंटेंट ईद सब्जेक्ट में चाहिए फिफ्टी परसेंट ओवरऑल चाहिए सेम क्राइटेरिया है फोर्टी परसेंट ईद सब्जेक्ट एंड फिफ्टी परसेंट ओवरऑल लेकिन अगर आप एग्जामेशन लाते हैं किसी एक सब्जेक्ट में तो वो एग्जामेशन परमानेंट एग्जामेशन माना जाता है एंड बच्चे वे सब्जेक्ट में आपको फोर्टी मार्क्स ला के ग्रुप क्लियर नहीं होगा बच्चे और सब्जेक्ट्स में आपको फिफ्टी मार्क्स आना पड़ेगा तभी ग्रुप क्लियर माना जाएगा मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ एक सब्जेक्ट एग्जाम कर लिया बाकी सब में फोर्टी ले आए mm -hmm. बाकी सब में फिफ्टी परसेंट लाना पड़ेगा तभी आपका ग्रुप क्लियर होएगा। सो नेक्स्ट दैट वी हैव इज फाइनल का लेवल एंड फाइनल के लेवल में आपके एथ से कर दिए गए हैं सिक्स सब्जेक्ट्स एंड कुछ इस तरीके से किए गए हैं आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सेम रहा है आपका स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बन जाएगा एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑडिटिंग ऑडिटिंग सेम रहेगा आपका कॉर्पोरेट लॉ जो मैंने पहले बता दिया वो जाकर इंटरमीडिएट में मिक्स हो जाएगा मौजूद हो जाएगा एंड इकोनॉमिक लॉज हटा दिया गया है वेर एज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट भी हटा दिया गया है डायरेक्ट एंड ये सेम रहेगा एंड ऑल्सो सबसे इंपॉर्टेंट बात एथिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है हर लेवल पर इंटीग्रेट कर दिया गया है इसका मतलब हर हाँ सब्जेक्ट के साथ आपको उसके उससे रिलेटेड एथिक्स पढ़ने पड़ेंगे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नॉलेज रखना पड़ेगा ठीक है ये जो इकोनॉमिक लॉज एंड कॉस्ट मैनेजमेंट है ये आपका शिफ्ट हो गया है सेल्फ पेस्ड ई लर्निंग मैंडेटरी मॉड्यूल में जो कि हम आगे समझने वाले हैं कि क्या हो गया है फाइनल का जो इलेक्टिव सब्जेक्ट था जो ओपन पिन बुक का पेपर है पेपर नंबर सिक्स इलेक्टिव वो हट गया है उसकी जगह पे हमारे पास पेपर आ गया कंपलसरी पेपर सिक्स आ गया है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड बिजनेस सोलूशन मल्टी डिसप्पनरी केस स्टडी विद स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको एक केस स्टडी दी जाएगी जिसको आपको क्रैक करना पड़ेगा अपनी नॉलेज से इसको सॉल्व करना पड़ेगा आगे बढ़ते हैं आप ठीक है एट पेपर्स आपके सिक्स पेपर्स हो गए आपका थर्टी परसेंट सेवेंटी परसेंटें जिस सब्जेक्ट्स uh, में पार्शियली ऑब्जेक्टिव एंड पार्शियली सब्जेक्टिव इन ऑल पेपर्स हो जाएगा मतलब तो तो यहाँ पे हमारे सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स में था यहाँ पे ऑल पेपर्स में आपका थर्टी परसेंट सेवेंटी परसेंट का क्राइटेरिया चलेगा कंप्यूटर बेसड फिजिकली कैसे भी हो सकता है अभी इन्होंने क्राइटेरिया डिसाइड नहीं किया प्लस इन ऑब्जेक्टिव पेपर में आपका नेगेटिव मार्किंग भी हो सकता है जो कि अभी करेंटली नहीं है फाइनल की एलिजिबिलिटी में बहुत बड़ा चेंज आया है तो पहले आपको टू एंड एड हाफ ईयर्स का प्रैक्टिस करने के बाद मतलब आर्टिकलशिप करने के बाद ही आप एलिजिबल होते हैं लॉन्ग विद एम सी एस एंड आई एडवांस आई टी अब फिलहाल के लिए आपका वो आर्टिकलशिप पीरियड टू ईयर्स को कम्पलीट कवर चेंज कर दिया गया है रिड्यूस कर दिया गया है उसके बाद सिक्स मंथ्स का आपको स्टडी पीरियड मेंटेन करना पड़ेगा उसके बाद ही यू कैन यू कैन गो फॉर फाइनल्स का अटैम्प्ट ठीक है इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है वो है आपको सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल जिसको इन्होंने फोर सेट्स माना है फोर सेट्स को क्वालिफाई करना पड़ेगा और ये आप इंटरमीडिएट देने के तुरंत बाद ही फाइनल्स में अपियर होने से पहले पहले तक आपको ये फोर सेट्स कंप्लीट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल टू सिट फॉर फाइनल एग्जामिनेशन अगेन आपका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो ऑलमोस्ट सेम है फोर्टी परसेंट वही एंड फिफ्टी परसेंट ओवरऑल प्लस नेगेटिव मार्किंग हो सकती है पहले इन्होंने लिखा है हो सकती है यहाँ पे इन्होंने बताया कि होएगी तो ये देख लेते हैं कि होएगी या हो सकते हैं उसके बाद आपने अगर किसी पेपर में सिक्सटी परसेंट मार्क्स अटैम्प्ट कर लिया है सिक्योर कर लिया है तो वो पेपर परमानेंटली एग्जेम्प्ट हो जाएगा इसका मतलब आपका ये क्राइटेरिया नहीं रहेगा कि तीन तक ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं प्लस सेम वही आई पी सी सी वाला रूल यहाँ पर भी एप्लीकेबल है कि आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स में फिफ्टी परसेंट लाना पड़ेगा तभी आपका ग्रुप क्लियर होगा मतलब अभी क्या है अभी क्या है कि आप एक में सिक्सटी आओ बाकी में फोर्टी एंड यू हैव यू आर गुड टू गो विथ क्लियरिंग द एग्जामिनेशन बट यहाँ पे क्या होगा सिक्सटी परसेंट अगर आपने किसी एक सब्जेक्ट में लाए तो बाकी सब में आपको फिफ्टी फिफ्टी परसेंट लाना पड़ेगा तो आगे बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है जो अभी न्यू चेंज uh, आया है वो है सेल्फ पेस्ड ई लर्निंग मॉड्यूल्स अब ये क्या होता है ये होगा कि आपको एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट लेवल का क्लियर करने के बाद ही आप एलिजिबल है इन सेल्फ पेस्ड ई लर्निंग मॉड्यूल्स में अपियोर होने के लिए एंड बिफोर योर फाइनल एग्जामिनेशन आपको चारों ई मॉड्यूल्स को क्लियर करना पड़ेगा फिफ्टी परसेंट सेक्र करके तब भी आप फाइनल एग्जामिनेशन में अप्योर करने के uh, लिए एलिजिबल होंगे जिसमें से वी हैव फोर सेट्स मतलब यहाँ पे फोर सेट्स होंगे सेट ए बी सी डी एंड बी जो है कंपल्सरी है सी एंड डी में से आपको एक एक सब्जेक्ट्स चूज करने हैं एंड डी इज बेसिकली द डी मॉड्यूल द डी सेट इज बेसिकली क्रॉस डिसिप्लिनरी मॉड्यूल यहाँ पे दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि साइकोलॉजी जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो लेट सी आगे क्या है इसके डिटेल्स देखते हैं या सो वी हैव सेल्फ बेस्ड ई लर्निंग मॉड्यूल्स एज यू कैन सी ए बी सी डी चार है ए बी जो है कंपल्सरी है सी एंड डी में से आपको वन वन सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा इज योर इकोमिक लॉस जोकि अभी करेंटली भी सेम सिलेबस है इकोनॉमिक लॉस का ऑलमोस्ट सेम सलेबस है एंड बी विल बी योर कॉस्ट वो भी सेम ही सिलेबस होगा जो अभी फिनल के लिए फाइनल के लिए है इसके अलावा वी हैव सेट सी एंड सेट डी सेट सी जो है इसमें से आपको वन चूज करना पड़ेगा वन सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा दैट इज़ रिस्क मैनेजमेंट गवर्नमेंट इंटरनेशनल टैक्सेशन आर्बिट्रेशन फॉरेंसिकडिट अच्छे सब्जेक्ट्स हैं इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं एंड सेट डी में से भी आपको वन चूज़ करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज़ इन कॉर्पोरेटिंग मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच एज एज इन बी सेस्ट इन एनी पी न्यू एजुकेशन पॉलिसी टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी जिसमें से आप साइकोलॉजी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम्युनिकेशन फ़िलासफी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं बहुत कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज गेन कर सकते आर्टशिप से रिलेटेड चेंजेस आपका थ्री ईयर्स से टू ईयर्स कर दिया गया है एंड एक इंपॉर्टेंट चेंज यहाँ पे ये है कि पहले आप जो आर्टिकलशिप है स्टार्ट तभी कर सकते थे जब आपका एक भी ग्रुप क्लियर हो जाए इंटरमीडिएट का बट अब कंपल्शन है कि आपको दोनों ग्रुप क्लियर करना पड़ेगा इंटरमीडिएट का तभी आप आर्टिकलशिप ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं इसके अलावा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के कुछ और चेंजेस आपको लीव्स अलाउड होगा अभी करेंटली वन सेवंथ अलाउड है चेंज uh, होके वो ट्वेल्व लीव्स इन अ ईयर मतलब ट्वेंटी फोर लीवस इन टू ईयर्स अलाउड है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आप लास्ट के एटीन मंथ्स में भी कर सकते हैं अभी आपको वो अलाउड होगा ट्वेल्व मंथ्स में करने के लिए इसके अलावा आपको जो है स्टाइपेंड जो है ना वो चेंज होकर हंड्रेड परसेंट इंक्रीज हो गया मतलब कि डबल हो गया है अभी मैं एक, एक और फोटो लगा दूंगी स्टाइपेंड के चेंज का तो आप देख सकते हैं कि उसमें जो स्टाइपेंड है वो डबल हो गया है एंड जिस भी बन जिस भी स्टूडेंट को आगे जाके वो करना है प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करना है सी ओ पी चाहिए तो उसको वन ईयर का एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी बाकी कुछ खास ऐसे और चेंजेस हैं नहीं ये सब स्किल्स कोर्स एम एम सी एस आई टी ये सब ऑलमोस्ट सेम है कुछ खास डिफरेंट है नहीं एग्ज़िट रूल भी कुछ ख़ास नहीं है इसके अलावा बहुत सारे और एक्स्ट्रा चेंजेस जो आए हैं इनिशिएटिव्स लाए हैं बी उसके बारे में लिखा हुआ है जैसे कि उन्होंने ऑनलाइन लाइब्रेरी ऑनलाइन फ्री क्लासेस एंड बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस लाए हैं तो आप बताइए आपको ये चेंजेस कैसे लगें आ, क्या आपको ये पसंद आए क्या आपको ये मुश्किल लग रहा है क्या लग रहा है कैसा लग रहा है आप अपने फीलिंग को कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आई होप आपको ये सारे जो भी चेंजेस है वो अच्छे से समझ आ गए हों एंड यू you नो know, जो भी नए चेंजेस है ना उसे हमें बहुत अच्छे से वेलकम करना चाहिए बिकॉज दीज चेंजेस आर अबाउट टू ब्रिंग सो मच ऑफ गुड वेराइटी गुड नॉलेज गुड अपडेशन इन आर कोर्स तो इसे अच्छे दिल से आई थी कि थोड़ी कमियाँ हैं थोड़ी अच्छाई है थोड़ी बुराई अच्छा है बट बुरा इसे एक्सेप्ट करना चाहिए बिकॉज और कोई ऑप्शन तो है भी नहीं हमारे पास राइट right? <laughs> इसे एक्सेप्ट करना चाहिए इसे वेलकम करना चाहिए एंड Uh, आप बताइए आपके क्या रिव्यूज़ हैं आपको कैसा लगा ये न्यू अपडेट मुझे तो अच्छे लगे एंड लाइक आई लव दी पार्ट की जहाँ पे आप न्यू मल्टीडिसिप्लिनरी और क्रॉस क्रॉस कोर्स पढ़ सकते हैं ठीक है ये सब मुझे अच्छा लगा तो आप बताइए आपके क्या रिव्यूज़ हैं एंड प्लीज़ डोंट फॉर्गेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट टू माई चैनल प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कॉमेंट करें एंड शेयर करें अपने इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ टिल देन बाय बाय